Hi everyone, this is Adil. Welcome to our YouTube channel Safety Modern Study. Guys, आज की टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है. आज हम सेफ्टी के बारे में बात करेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेफ्टी में, और हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट ये पूछा जाता है कि सेफ्टी क्या होती है. तो पहला यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वॉट इज सेफ्टी. तो सेफ्टी की डिफिनीशन पहले हम देख लेते हैं गाइज, सेफ्टी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है. ठीक है, सेफ्टी मींस कीपिंग योरसेल्फ एंड अदर फ्री फ्रॉम हार्म और डेंजर. ठीक है गाइस, इसका मतलब ये हो गया. एक तो हम यहाँ पे एक डेफिनेशन ये हो गई, एक डेफिनेशन हमारा यहाँ पे राइट कर देते हैं, प्रोटेक्शन of pupil from physical injury or property damage at वर्क प्लेस. ठीक है गाइस, ये हो गई सेकंड डेफिनेशन हमारी, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम फिजिकल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज एट द वर्क प्लेस. ठीक है, अब दोनों का मतलब हम यहां जान लेते हैं हिंदी में. ठीक है, सुरक्षा का मतलब है आपने आपको और दूसरों को नुकसान या खतरे से बचाना, दैट इज सेफ्टी. ये हो गया फर्स्ट आपका. सेकंड हो गया प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम फिजिकल इंजरी, मतलब हमें प्रोटेक्शन करना है लोगों की, पीपल की, लोगों की फ्रॉम किससे, फिजिकल इंजरी से, मतलब शारीरिक जो चोटें होती हैं उनसे हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रोटेक्शन देना है, उनको बचाना है. साथ ही साथ एज वेल एज प्रॉपर्टी डैमेज. ठीक है, हमें प्रॉपर्टी का भी ख्याल करते हुए कि प्रॉपर्टी का भी हमें नुकसान ना हो, इसलिए प्रॉपर्टी को भी हमें बचाना है. ठीक है, कहाँ पर, एट द वर्क प्लेस, कार स्थल पे, जहाँ पे कार होता है, कंस्ट्रक्शन हो, इंडस्ट्रीज हो, जहाँ पे हम कार करते हैं. ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयज वर्कर्स सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, उस जगह पे को कंस्ट्रक्शन हो या इंडस्ट्रीज हो, वहाँ पे हमें लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए बींग ऑफिसर, बींग सेफ्टी ऑफिसर, इंजीनियर, सेफ्टी सुपरवाइजर, इन सब के रूप में हमें लोगों की जान माल की सुरक्षा करनी होती है. ठीक है, ये दो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है. ठीक है गाइस, और ये सेफ्टी का फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म ऑफ सेफ्टी है गाइस, कि किस तरीके से सेफ्टी बना हुआ है उसके बारे में देख लीजिए. तो सेफ्टी का ये पहला जो हो गया एस का हो गया सर्च द हैजर्ड. गाइस, हमें हैजर्ड को सर्च करना है, मतलब जहाँ जो एक्टिविटीज हो रही है उसको हम सर्च करेंगे कि ये हैजर्ड इस एक्टिविटी में पाई जा रही है. उसके बाद जो है एनालाइज द रिस्क को हम एनालाइज करेंगे. ठीक है, उसका एक तरीके से मूल्यांकन करेंगे कि कितनी लो है. रिक्स भी कैटेगरीज होती है, एल एम एच, लो मीडियम हाई. ठीक है, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है हम रिक्स को एनालाइज करेंगे कि लो है, मीडियम है, हाई, उसके अकॉर्डिंग उसको हम जानेंगे. वो हो गया ए. आपका एफ हो गया फाइंड द कॉज. हम फाइंड द कॉज करेंगे, हम उसके कारण को जानेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, खोजेंगे किस तरीके से, किस कारण ये एक्सीडेंट या जो भी हुआ उसको हम जानने की कोशिश करेंगे. एफ फाइंड द कॉज. उसके बाद में कॉज जानने के बाद में हम ई को इलिमिनेट द कॉज, उसको हम इलिमिनेट करेंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे, वो साइट एक्टिविटीज चाहे कंस्ट्रक्शन हो, इंडस्ट्रीज हो, जहां पे भी हो वहां से हम उसको इलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे. ई सेफ्टी के फुल फॉर्म में आता है. उसके बाद जो आपने किया सारी एक्टिविटीज, टेल टू अदर, टी से हुआ टेल टू अदर, और उसको हम दूसरे को भी बताएंगे कि ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस किया गया, और दूसरों को भी उसके बारे में अवेयर करेंगे, आगाह करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे. वाई से हो गया गाइस यू आर सेफ, देन आप सेफ महसूस करेंगे, देन आप जो एक्टिविटीज, जो जिस एक्टिविटीज में हजार्ड्स हैं, रिस्क बहुत हाई था, उसको आप जो है इलिमिनेट कर देंगे. तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद में सेफ्टी बनता है, इसका फुल फॉर्म सेफ्टी बनता है. इस प्रोसेस से होके गुजरने से ये पूरा वर्ड सेफ्टी का बना, जिसमें जो है
आप एट लास्ट वाई से सेफ फील करेंगे, सेफ महसूस करेंगे। आपकी कंस्ट्रक्शन साइट हो, इंडस्ट्रीज हो, जहां वर्क प्लेस हो, वर्क साइट हो, वहां पे आपको सेफ महसूस करेंगे, सेफ एक्टिविटीज होंगी वहां पे दोबारा। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका। और इसमें हम आपकी पहले डिफिनेशन आप देख लीजिए, सेकंड डिफिनेशन। तो हमें लोगों की जान माल की सुरक्षा करनी होती है, इसलिए बीइंग ऑफिसर, बीइंग सेफ्टी सुपरवाइजर, हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है। एग्जांपल के तौर पे, जैसे एग्जांपल में एक बता देता हूँ आपको कि कोई पर्सन है, बाइक राइड करता है, बाइक राइडिंग कर रहा है, बाइक चला रहा है, ज़्यादा स्पीड में चलेगा, 50-60 के अबव जाएगा, 80 जाएगा, 90 जाएगा, तो वो एक अनसेफ कंडीशन है। उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और वही उसकी जो स्पीड लिमिट है वो कम की जाए, ठीक है, तो स्पीड लिमिट कम हो जाएगी तो वो सेफ कंडीशन में हो जाएगा। तो हाई स्पीड में गाड़ी चलाना वो अनसेफ कंडीशन है, वो सेफ नहीं है, सेफ्टी में नहीं हो सकता है। और इसमें बाइक राइडर को अगर हम हेलमेट देते हैं पहनने के लिए, तो वो हेलमेट उसकी जो है, हेलमेट एक सुरक्षा हो गई। यहाँ पे सेफ्टी के नॉर्म्स से देखेंगे, सेफ्टी के व्यू से देखेंगे, तो हेलमेट यहाँ पे उसके हेड की उसके सर की पूरी सुरक्षा करेगा, उसके चोटों से बचाएगा, हेड इंजरी नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो ये बाइक का एक एग्जांपल है। और सेकंड मैं इसके बारे में एक हेलमेट से रिलेटेड एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। कंस्ट्रक्शन की साइट है, ऊंचाई पे काम किया जा रहा है। अब ऊंचाई पे काम करने के दौरान जो है गाइस, क्या होता है कि कोई भी ऊंचाई पे काम कर रहा है, चाहे वो एलिवेटेड चीज हो, लाइक फ्लाईओवर हो, फ्लाईओवर के नीचे जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन काम के वर्कर्स काम करते हैं, यदि कोई भी इक्विपमेंट्स उनके पैर से, उनके हाथ से छूट कर गिरेगा, तो नीचे जो भी काम करने वाले, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे बना के दिखा देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, मतलब ये हो गया फ्लाईओवर हो गया, ठीक है। अब ये फ्लाईओवर हो गया, ये ओवरब्रिज हो गया, यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसके नीचे भी जो वर्कर्स आ जा रहे हैं या जो भी है, तो कोई भी इक्विपमेंट्स इनके हाथ से लगकर या छूटकर गिर सकता है, जो इनके हेड पे, सर पे गिरने की वजह से इनकी जान जा सकती है, अनकॉन्सियस हो सकते हैं, इनको हेड इंजरी हो सकती है। बट लेकिन इस प्रोसेस में अगर यदि इनको हेलमेट दिया जाए, हेलमेट इनको दिया जाएगा, अगर ये हेलमेट लगाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट्स गिरेगा तो इनका ये जो सर है वो सेफ होगा, हेड में कोई चोट नहीं है, कोई इंजरी, कोई लॉस नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो ये एग्जांपल के तौर पे ये मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बताई, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक होता है कि नोट कर ले, मतलब मैं बताना चाहता हूँ, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सभी के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी में, सभी एम्प्लॉयज के लिए सब इक्वल है, सभी चीजें बराबर है, ठीक है। सेफ्टी इज फॉर एवरीवन, सुरक्षा सभी के लिए है, कोई पर्टिकुलर एक फिक्स पर्सन के लिए नहीं, सभी की सुरक्षा है, सभी की जान माल की, हमें से जान माल उनकी कोई नुकसान ना हो, उससे हार्म ना हो, उसको हमें बचाना है, ठीक है गाइस, ये हो गया। और इसके बाद साथ साथ जो है हम आपका ये कंप्लीट हो गया है। और कुछ चीज़ें जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ आपको, फॉर दैट मशीनरी एक होता है, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं सेल्फ सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, मशीनरी सेफ्टी। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेल्फ सेफ्टी या मशीनरी सेफ्टी या जनरल सेफ्टी, तो इस तरीके से भी कुछ कैटेगरीज ऑफ सेफ्टीज होती हैं, जिसमें जो है अगर आप मशीनरी के द्वारा कॉन्टैक्ट मशीन पर काम करते हैं, तो मशीन और आपके बीच में क्या डिस्टेंस होने चाहिए, दोनों के डिस्टेंस में कितनी दूरी होनी चाहिए, ताकि कोई नुकसान, कोई हार्म ना हो। और साथ ही साथ आपको ऐसा क्लोथ्स ऐसा पहनना चाहिए कि जो मतलब ढीला ना हो, मतलब लूज क्लोथ पहनने से कि जो है मशीन के कांटेक्ट में आने से, जो मूविंग ऑफ पार्ट मशीन होता है उसमें फंस जाने की वजह से पर्सन को चोट हो सकती, इंजरी हो सकती, तो उसमें भी एक डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है, ठीक है। इस तरीके और वर्क साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे यदि आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी हेलमेट का तो यूज तो करेंगे, साथ साथ मैंने बताया आप उसी के साथ साथ आप जो है अगर नंगे पाँव विदाउट आप शूज साइट पर जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, सरिया या स्टील होती हैं जो पैर में लग सकती हैं, जिससे इंजरी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें हाँ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी शूज को पहनना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सेफ्टी शूज पहने तो वो हमें सुरक्षा दिलाएगा,
चोटों से हमारे पैर में चोट नहीं आएगी, ठीक है गाइस। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो एग्जांपल्स हम बता रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को अच्छे से बेहतर तरीके से समझने के लिए गाइस। तो आई थिंक गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा टॉपिक, ऑल ऑफ यू। ओके गाइस, थैंक यू।